तो अब हम लोग तैयार हो चुके हैं। हम वैसे अभी जा रहे हैं मेरी भांजी के यहाँ, जिसका आज हैप्पी वाला फर्स्ट बर्थडे है। और देखो मेरा बेटा भी तैयार हो चुका है, अभी मेरा बेटा भी तैयार हो चुका है, मैं भी तैयार हो चुका हूँ। मैंने ये ग्रीन कलर का कुर्ता पहना हुआ है और बहुत ठंडी, इस कारण अंदर मुझे टी शर्ट भी पहननी पड़ी। और मेरे बेटू का गेटअप देख सकते हैं आप, कैसा लग रहा है आपको बताइए जरा, कमेंट करके बताइए कि कैसे दिख रहा है, बर्थडे में जाने के लिए तैयार है कि नहीं है। तो जो मेरे चाचा की सबसे बड़ी वाली बेटी है, उसका उसकी बेटी का आज बर्थडे है, जो कि फर्स्ट बर्थडे है, वो भी शादी होके यहीं आई हुई है छुरी में। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर वहीं जाके मिलते हैं। मैं और मेरा बेटा तैयार हो चुके हैं, बट जो उनकी मम्मा हैं वो भी तैयार हो चुकी है, लेकिन इसलिए वो भी बर्तन होने में लगी हुई है, क्योंकि बाबू का जो दूध गर्म करना था तो पतीले में गर्म हो रहा है उसका दूध। तो हमारा आज रात्रि का भोजन भी वही होने वाला है, इसलिए हमने जो अपने मिट्टू है उसको बिस्कुट दे दिया है, वो बिस्कुट खाने में व्यस्त है। और दोपहर में उसके लिए खाना लाना भूल गया, तो रात को हमको फिक्स उसके लिए खाना लेके ही आना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पहुँच चुके हैं अभी, और ये रूम का सजाना हो रहा है अभी। डेकोरेशन हो सकते हैं? नहीं, हम रूम को सजा रहे हैं सारे के सारे, मेरे दोनों भाई, और ये नया मैडम भी लगी हुई है बैलून फुलाने में। अब मेरा बेटू को देख सकते हो, ये भी अभी तैयार है, और जिसका बर्थडे है वो अभी तैयार नहीं हुई है, क्योंकि उसको थोड़ा सा स्पेशल तैयार होना है अभी, सरप्राइज वाला, वो भी बैलून फुलाने में लगी हुई है। तो ये चल रहा है डेकोरेशन का काम, और ये ललित और बाबा के पापा साथ मिल के इसे चिपकाया है साथ में। हाँ, और ये बैलून हमने मिलकर फुलाया है। और ये कौन है, कौन है तू? ये कौन है, ये कौन है ये? हाँ, ये चिरकुटी बनाने का प्रयास। तो ये देखिए केक, तो आप सभी को ये केक कैसा लग रहा है प्लीज कमेंट में जरूर बताइए। और ये बर्थडे गर्ल की मम्मी पापा उसे टीका लगा रहे हैं, उसकी आरती कर रहे हैं, और इसकी नानी आ गई है स्वीट स्वीट सी। और ये अनाया बेबी की नानी, उन्होंने गिफ्ट दे चुकी हैं, और ये देखो उसकी मम्मा बहुत खुश हो रही है। और अब आ गई है अनाया बेबी की बुआ जी, सबसे बड़ी वाली बुआ जी। तो ये आप मिल लीजिए, ये अनाया की बुआ और मेरे बाबू की भी छोटी बुआ है। और ये रहे हम दोनों, नहीं हम तीनों, क्योंकि बाबू भी आ गया है, वो बोल रहा है मामा मुझे भी टीका वीका लगा दो। हमने भी उसे बिठा दिया है अनाया के बगल में। और अब आ गए हैं अनाया के दोनों मामा जी, और ये दोनों मामा जी ट्विंस हैं। और अब आ गए हैं अनाया के नानू, और ये देखो अनाया कितनी शान से, कितने अच्छे से टीका वीका लगवा रही है। एक बात बोलना तो मैं भूल ही गई, अगर आप लोग को हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर जरूर करें। और ये देखिए बुबू आ गया, उसकी बुआ उसे केक खिला रही है, और अनाया बेबी ने तो ढंग से खाया नहीं केक। और फिर हमने भी अपने बुबू का बर्थडे सेलिब्रेशन जैसा माहौल बना दिया था। और अब आपके सामने प्रस्तुत है बुबू और उसके पापा का नृत्य। सबसे प्यारा मेरा बाबू जाना।
चल चलो के पास में बेबी को खड़ा कर दिया है। ये लगभग बेबी के हाइट का ही है। तो अब चलिए देखते हैं कि बेबी गिफ्ट में क्या क्या है। हमने अनाया को फिर गिफ्ट के बॉक्स में डाल दिया क्योंकि सारे गिफ्ट तो बाहर निकल गए, तो हमने सोचा अनाया को ही उसमें डाल दिया जाए। और आप लोग ज़रूर बताइएगा कि अनाया का सारा गिफ्ट आप लोगों को कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ये देखिए आप बाबू की रंगारंग प्रस्तुति। हेलो फ्रेंड्स, हम लोग अभी घर आ चुके हैं और टाइम हो चुका है 10:30 के आसपास टाइम हो चुका है। थोड़ा सा लेट हो गया हमको, बहुत दिन बाद मेरे चाचा चाची लोग यहाँ आए हुए थे और देखते हो मेरा बेटू और वाइफ भी अपनी जगह पे टुल्ल पुल्ल हो गई हैं। तो फ्रेंड्स, आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो कृपया एक सिर्फ एक लाइक कर सकते हैं आप हमारी वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए गाइस, जितना हो सके शेयर कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। बाय।